गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम विद शालिनी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे गुड वाइब्स का टी ट्री टोनर अप्लाई किया है इस तरीके से पूरे फेस पे। देन मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लिया है और अपने पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ मैं इस तरीके से। इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। देन उसके बाद मैं आज कोई प्राइमर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप इस तरीके से एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो। एलोवेरा जेल के लिए मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। देन मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने मार्स का आईब्रो पैलेट लिया है। उसी में ही ये ब्रश आते हैं और आप इसी से ही कर सकते हो। ये मैंने टीनेज गर्ल के लिए मेकअप शूट किया है जो कि आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। इस मेकअप में मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट अप्लाई किए हैं जो कि आपको किसी भी वेबसाइट पे आसानी से इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। ये दुर्गा पूजा, दिवाली, आप किसी पे भी किसी भी फेस्टिवल में इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। देन मैंने कंसीलर के लिए NYB का कंसीलर लिया है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मैंने बहुत ही कम प्राइस के प्रोडक्ट अप्लाई किए हैं। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। इस तरीके से आपको स्क्वीज आउट करके वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और आपको डैप डैप मोशन में इस तरीके से करते हुए अप्लाई करना है इस तरीके से। ये बहुत ही सिंपल एंड क्विक मेकअप हैक है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। देन मैं अपने आई बेस को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। इसमें मेरा शेड है 01। देन मैं आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। आई मेकअप लुक के लिए मैंने कोई आई शेडो पैलेट नहीं लिया है अलग से। मार्स की जो आईब्रो पैलेट है उसी से ही ब्राउन शेड लेके इस तरीके से क्रीज लाइन बना रही हूँ मैं इस तरीके से। देन मैं दोनों आईज पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही सिंपल आई मेकअप है। इस तरीके से दोनों आईज पे आपको अप्लाई कर लेना है। ब्लैक एंड डार्क ब्राउन शेड को मिक्स करके मैं इनर कॉर्नर और आउटर वी पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। मिड एरिया पे अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद मैंने ग्लैम 21 का ब्लश पैलेट लिया था। उसमें से मैंने पर्पल शेड का जो शेड था उसे मैंने मिड पार्ट पे इस तरीके से फिंगर के हेल्प से अप्लाई कर लिया है। ये थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट देता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरा आई मेकअप लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड ब्रश की हेल्प से इस तरीके से मर्ज कर लेना है आपस में हमें। देन उसके बाद मैंने कलर एसेंस का लिक्विड लाइनर लिया था और इस तरीके से सिंपल सा आई लाइनर लगा लूँगी मैं। अगर आपको विंग ड्रॉ करना है तो आप कर सकते एंड गाइज, ये मैंने टीनेज गर्ल के लिए मेकअप लुक क्रिएट किया है। एंड आप चाहें तो किसी भी एज ग्रुप के हैं इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। एंड ये सूट मैंने, जो शरारा सेट है, ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देन उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का ब्लैक काजल लिया है और इस तरीके से वाटर लाइन पर फिल कर लूँगी मैं। देन उसके बाद मैं वाटर लाइन के अंडर वाटर लाइन पे भी मैं अप्लाई करूँगी एंड एक ब्रश की हेल्प से इसे भी स्मच कर लूँगी जो कि बहुत ही अच्छा लुक आता है उससे। एंड देन उसके बाद मैंने जो क्रीज लाइन पे आई शेडो लगाया था, सॉरी आईब्रो पैलेट से जो शेड लिया था, वो मैं वाटर लाइन के नीचे इस तरीके से स्मच कर रही हूँ। एंड ये मैंने दो शेड लिए हैं, एक ब्राउन एक ब्लैक। इस तरीके से दोनों को स्मच करना है। देन उसके बाद मैंने एक पिंक शेड लिया है सेम उसी ब्लश पैलेट से और इस तरीके से अगेन मैं वाटर लाइन के नीचे, अंडर वाटर लाइन के नीचे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से स्मच कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लिया था एंड उसके बाद मैंने
ओलिविया की फाउंडेशन स्टिक ली है और इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई करना है। एंड इस पे मेरा शेड है 03। देन उसके बाद मैंने NYB का कंसीलर लिया है और जहाँ पे कंसीलिंग पॉइंट है वहाँ पे मैं इस तरीके से कंसीलर अप्लाई कर ले रही हूँ एक साथ ही, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे हमें ब्लेंड करते हुए इस तरीके से स्मच कर लेना है। एंड जहाँ भी आपका ओपन एरिया है सब जगह पे आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है इस तरीके से टैप टैप मोशन करते हुए। एंड ट्रस्ट मी गाइज बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस बेस रेडी होगा आपका इस तरीके के फाउंडेशन स्टिक से। देन उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी के फेस पाउडर से एक ब्रश की हेल्प से सेट कर लिया था अपना बेस। एंड उसके बाद अगेन मैंने NYB का कंसीलर लिया है, ये डार्क शेड है, और इस तरीके से पूरे फेस पे आपको कंटूरिंग करनी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है और इस तरीके से ब्रश की हेल्प से आपको ऊपर की तरफ ले जाते हुए कंसीलर लगा के कंटूरिंग करनी होती है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। देन उसके बाद मैंने ब्लश के लिए स्विस ब्यूटी की पिंक हॉट पिंक लिपस्टिक ली थी और इस तरीके से ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ मैं। ये बुलेट लिपस्टिक थी गाइस, बहुत ही अच्छा लुक आया था फेस पे। एंड लिटिल बिट मैं नोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने अगेन स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक ली और अगेन मैंने पिंक लिपस्टिक ली, दोनों शेड को मैंने मिक्स करके अप्लाई किया। एंड उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर की जगह टोनर अप्लाई किया एंड ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से सेट कर लिया। एंड मेरा मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ था। एंड उसके बाद मैंने हाइलाइटर के लिए SQ का हाइलाइटर लिया था, ये इसमें ब्रश भी है और इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ मैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही प्यारा मेकअप लुक आया था। गाइस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि ये मेरा मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। एंड मैंने ब्रॉ बोन को भी इसी से ही हाईलाइट कर लिया था। एंड उसके बाद ये मैंने ग्रीन इयररिंग्स वेयर किए थे, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किए थे, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी आप लोगों को, लेकिन इस ड्रेस में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। देन उसके बाद मैं आप हेयर स्टाइल करूँगी। हेयर स्टाइल के लिए अगर आपको कोई भी हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रही तो आप इस तरीके से साइड में हेयर करके इस तरीके से ट्विस्ट करके आप बॉबी पिन लगा के आप लोग इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। एंड गाइस इस तरीके के शरारा सूट में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके का हेयर स्टाइल, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत ही पसंद है, आप लोग भी ट्राई करना। एंड आई होप ये मेरा मेकअप लुक आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आप लोग वीडियो बहुत सारे लोग करते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय। What?